2024 की दूसरी छमाही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कुछ खास है, जिसमें कई नए मॉडल की योजना है, जिसमें फर्स्ट तो सभी कंपनियां अपने करंटली अवेलेबल पॉपुलर प्रोडक्ट के फेसलिफ्ट लॉन्च कर रही हैं और साथ ही अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करने के लिए ऑल न्यू प्रोडक्ट को भी एंटर करने वाली हैं। और नेक्स्ट 3 मंथ इसलिए भी कुछ खास है क्योंकि इसमें लॉन्च होने वाली है 2024 की 11 मोस्ट अवेटेड गाड़ियां, जिसमें मार्केट के टॉप ब्रांड्स टाटा मोटर्स, मारुति, टोयोटा और महिंद्रा के अलावा एमजी और किया जैसे ब्रांड्स भी शामिल हैं। इसमें फर्स्ट अपडेट आने वाला है मारुति सुजुकी की तरफ से, भारत की सबसे पसंदीदा कॉम्पैक्ट सेडान मारुति डिजायर पर, जो बस कुछ ही हफ्तों में लॉन्च होने वाली है। और ऑल न्यू डिजायर हाल में ही लॉन्च हुई स्विफ्ट जैसे जबरदस्त अपडेट लाने वाली है और इसका मुख्य आकर्षण होगा इसका सनरूफ। तो कॉम्पैक्ट सेडान में नई ग्रिल, नया डिजाइन वाला बम्पर होगा और नेक्स्ट जनरेशन की मारुति डिजायर, जिसमें कि आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर लेवल पर काफी सारे शानदार अपडेट मिलने वाले हैं। तो अगर आपका डिजायर परचेज करने का प्लान है तो सम टाइम वेट, ऑल इन्फॉर्मेशन अपडेट करें, कंप्लीट वीडियो देखें और शेयर भी करें अपने सभी उन फ्रेंड्स और रिलेटिव को जो न्यू कार परचेज करने का प्लान बना रहे हैं किसी भी ब्रांड का, किसी भी पॉपुलर गाड़ी का, क्योंकि पॉसिबल है उसका जल्द ही फेसलिफ्ट आने वाला है। और फेसलिफ्ट हमेशा की तरह करंट जनरेशन से ज्यादा एडवांस होते हैं। फिलहाल बात करें मारुति डिजायर के लेटेस्ट फेसलिफ्ट का, तो जहां पर इसमें सनरूफ का फीचर्स होगा वहां पर इसका डैशबोर्ड डिजाइन भी अब अल्ट्रा एडवांस होने वाला है। साथ में 9 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और बहुत कुछ शानदार अपडेट होने वाले हैं। और इसका इंजन भी चेंज किया जाएगा, जिसमें अब जेड सीरीज का पेट्रोल इंजन होगा 1.2 लीटर का और 4th जनरेशन की डिजायर अगस्त मंथ के एंड तक लॉन्च कर दी जाएगी। और इसके बाद में सेकेंड लॉन्च होने वाली एमजी मोटर्स की है क्लाउड ईवी, जो कि क्रेटा, किया सेल्टोस और अपनी सेगमेंट की लोकप्रिय सभी एसयूवी को कड़ी टक्कर देने वाला है। और इस एमपीवी में 15.6 इंच का बिग टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट यूनिट, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग फैसिलिटी, ऑटोमेटिक एसी और रिक्लाइंग रियर सीटें मिलने वाली हैं। और साथ ही इस एमपीवी में एमजी मोटर्स 360 डिग्री कैमरा भी देने वाला है, जो एडास के पैकेज का ही एक हिस्सा होगा। पावर ट्रेन की बात करें तो एमजी क्लाउड ईवी में 50.6 किलोवाट की बैटरी होगी, जो एक बार में 460 किलोमीटर की रेंज देगी और साथ ही डीसी फास्ट चार्जिंग से एक घंटे में 30 से 100 किलोमीटर चार्ज किया जा सकेगा। और इसके बाद थर्ड नंबर पर है महिंद्रा मोटर्स की ऑफ रोडर महिंद्रा थार आर्मडा के नाम से, जिसे लॉन्च किया जाएगा। इसमें अब न्यू एलईडी हेडलैम्प और चंकी बम्पर मिलने वाला है, अपडेटेड केबिन होगा, मेनली 10.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 का एडास का फीचर्स मिलने वाला है। साथ में पैनारोमिक सनरूफ का फीचर्स भी महिंद्रा थार आर्मडा में अब दिया जाएगा। और 15 अगस्त अपकमिंग न्यू महिंद्रा थार आर्मडा में इंजन में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से 2.0 लीटर पेट्रोल, 2.2 लीटर डीजल इंजन 4x2 और 4x4 कॉन्फ़िगरेशन में मिलने वाला है, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलने वाला है। तो ऑल न्यू थार परचेज करने का प्लान है तो वेट 15 अगस्त ताकि आप इस एडवांस महिंद्रा थार आर्मडा को परचेज कर पाएं। और अगस्त 2024 स्टार्ट होते ही टाटा मोटर्स अपकमिंग टाटा कर्व ईवी, जो कि लॉन्च होने वाली है, जिसे आप कह सकते हैं टाटा की लैम्बोर्गिनी भी। और सबसे बड़ी बात है कि टाटा कर्व आपको इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सभी ऑप्शंस में मिलने वाली है। साथ में इसमें पैनारोमिक सनरूफ और 12.3 इंच की ड्यूल स्क्रीन्स होंगी, 4 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील्स भी होगा, साथ ही ग्लास ब्लैक फिनिशिंग, टेक्सचर्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बाद में 5th और 6th नंबर पर आने वाली है एस्कोडा इंडिया की सुप्रेब और कोडिया का लेटेस्ट वर्जन, और ये दोनों ही गाड़ी का इंटीरियर फुल्ली चेंज किया जा रहा है। इंजन विकल्प हालांकि दोनों में ही एक जैसे हैं, जिसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल है। इसके अलावा एस्कोडा इंडिया अपनी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने वाली है मार्केट में नेक्सॉन, ब्रेजा या फिर वेन्यू जैसी गाड़ियों को कम्पीट करने के लिए, जिसमें 9.0 इंच का टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल,
और ये एसयूवी में लेवल 2 का एडास और 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है। तो ऑल टू ऑल ये 3 गाड़ियों का अपडेट है एस्कोडा इंडिया की तरफ से। और 7th नंबर पर है किया मोटर्स की तरफ से अपने लाइनअप का विस्तार करने के लिए एक ऐसी एसयूवी जिसे सॉलिड और सेल्टोस के बीच में प्लेस किया जाएगा। और इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को क्लेविस के नाम से जाना जाएगा। और किया मोटर्स अपनी इस एसयूवी को मार्केट में टाटा पंच, हुंडई एक्सटर और निशान मैग्नेट जैसी गाड़ियों को कम्पीट करने के लिए लॉन्च करने वाली है। और किया इंडिया अपनी ऑल यू क्लेविस एसयूवी को पेट्रोल डीजल के साथ में इलेक्ट्रिक वर्जन में भी लाने वाली है, पॉसिबल है सीधे सीधे पंच को कम्पीट करने के लिए। और किया क्लेविस में फ्रंट पार्किंग सेंसर, 6 एयरबैग, रियर डिस्क ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा और एडास की सेफ्टी होगी। और हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आने वाली इस कार के हेडलैम्प और टेल लैम्प में एलईडी लाइटिंग और एलईडी डीआरएस दिया जाएंगे। साइज के मामले में हुंडई एक्सटर के बराबर ही होगी। और न्यू कार में कई सारे ड्राइव मोड, क्लाइम कंट्रोल सिस्टम, ट्रैक्शन मोड और लेदर सीटें मिलने वाली हैं। और किया क्लेविस का इंटीरियर फीचर्स भी काफी शानदार होगा। किया क्लेविस में ड्यूल स्क्रीन सेटअप होगा जिसमें इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट यूनिट शामिल होंगी, 10.25 इंच की ड्यूल स्क्रीन। इसके अलावा इस कार में पैनारोमिक सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट में वेंटिलेटेड सीटें, बॉस का वर्ल्ड क्लास का ऑडियो सिस्टम, 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। और ये एसयूवी हाइब्रिड पावरट्रेन में आने के कारण माइलेज भी काफी जबरदस्त देने वाली है। और इसके बाद में 8 नंबर पर है मार्केट में लॉन्च होने वाली निशान इंडिया की निशान जूक। और इस एसयूवी में 1 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा, 92 बीएचपी की पावर, 148 एनएम का टॉर्क होगा। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी 5, बूट स्पेस 354 होने वाला है। और इसके डिजाइन काफी आकर्षक और बोल्ड स्पोर्टी लुक के होने वाले हैं। और निशान जूक एसयूवी में आपको मिलने वाला है फ्लोटिंग रूफ, रियर एंड का डिजाइन और ज्यादा स्टाइलिश के लिए निशान इसमें कंफर्टेबल सीटिंग फैसिलिटी देने वाली है। अट्रैक्टिव कलर्स होंगे और एंटरटेनमेंट के लिए 12.3 इंच की स्क्रीन, साथ में एक ड्यूल स्क्रीन भी होगी। और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बेहतरीन साउंड सिस्टम और सेफ्टी फीचर्स वर्ल्ड क्लास के हैं, जिसमें कि लैंड डिपार्चर वार्निंग, रियर व्यू कैमरा, फ्रंट ड्यूल साइड चेस्ट प्रोटेक्टिंग और साइड हेड प्रोटेक्टिंग एयरबैग्स, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेक, लेन कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, फॉरवर्ड कोलाइजन वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेलिजेंट ट्रेस कंट्रोल अलार्म, इंटेलिजेंट राइड कंट्रोल और पार्किंग सेंसर जैसी सभी सेफ्टी फीचर्स इसमें मिलने वाले हैं। और निशान जूक के अगर प्राइस की बात करें तो पावरफुल और लग्जरी सेगमेंट की इस गाड़ी को 25 लाख के प्राइस से स्टार्ट किया जाएगा। मार्केट में टाइगोन, हाईलैंडर, सेल्टोस, क्रेटा जैसी गाड़ियों को ये टक्कर देने वाली है। और इसके बाद 16 अगस्त को लॉन्च होने वाली है BYD की इलेक्ट्रिक कार सीगुल के नाम से, जिसमें स्मार्ट वॉइस कंट्रोल, एंड्रॉइड ऑटो, इसके अलावा वर्ल्ड क्लास के एडास के सेफ्टी फीचर्स होंगे। और BYD अपनी इस गाड़ी को 3.0 प्लेटफार्म पर डेवलप कर रही है, जो एक अल्ट्रा सेफ बॉडी स्ट्रक्चर प्लेटफार्म है और जिसके अंदर आपको 2 वर्जन मिलने वाले हैं, जिसमें कि फर्स्ट वर्जन में 380 किलोमीटर की रेंज होगी। इसके अलावा DC फास्ट चार्जिंग के साथ में 30 मिनट में जिसे 80% चार्ज किया जा सकता है। और इसके बाद में 10th नंबर पर है अब हाइब्रिड ऑप्शंस में आने वाली मारुति सुजुकी की एक मोस्ट पॉपुलर गाड़ी, जिसमें कि आपको 6 एयरबैग के साथ में वर्ल्ड क्लास की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मिलने वाली है। और ये है स्विफ्ट, जो कि अपने कई एडवांस फीचर से लैस होगी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में, जहां इसका माइलेज भी काफी जबरदस्त होगा। इसके अलावा इसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल सकता है। नए फीचर्स की अगर बात करें तो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, फ्लोटिंग टाइप रूफ, ड्यूल टोन एलॉय व्हील्स, क्लियर लेंस टेल लैम्प जैसे फीचर्स होंगे। और साथ ही 10.2 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग, एडास टेक्नोलॉजी, तो काफी सारे शानदार फीचर्स और जबरदस्त माइलेज के साथ में स्विफ्ट का हाइब्रिड ऑप्शंस आने वाला है, यानी अब CNG की रिक्वायरमेंट भी खत्म होने वाली है। और इसके बाद 11th नंबर पर लॉन्च होने वाली है मार्केट की एक पॉपुलर और मोस्ट डिमांडिंग SUV XUV700 का इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी जल्द ही मार्केट में एंटर होने के लिए।
और यहां पर महिंद्रा मोटर्स द्वारा इसे XUV E8 के नाम से लॉन्च किया जाएगा। और ये बेशक XUV 700 का ही इलेक्ट्रिक वर्जन है, इसकी टेस्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। 54 किलोवाट का बैटरी पैक है और इसमें आपको क्लोज्ड ऑफ फ्रंट ग्रिल, बम्पर माउंटेड हेडलैम्प और साथ ही वाइड LED लाइट बार, शार्प लुक वाला बोनेट के साथ काफी कुछ नए कॉस्मेटिक्स बदलाव भी मिलने वाले हैं। और साथ में आपको साइज में भी डिफरेंस मिलने वाला है इलेक्ट्रिक वेरिएंट में। अगर आप कंपेयर करते हैं इसके पेट्रोल और डीजल वेरिएंट से, ज्यादा स्पेस और ज्यादा कंफर्ट होगा। 80 किलोवाट के बैटरी पैक से 230 bhp की अच्छी खासी पावर, 350 bhp की पावर होगी। और महिंद्रा अपनी इस गाड़ी को इनग्लो मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर डेवलप कर रही है, जिसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया जाएगा, दोनों ही ऑप्शन होंगे। और इस कार का मार्केट में मुकाबला मार्केट की मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जिसमें अपकमिंग टाटा मोटर्स की हैरियर ईवी या फिर आयोनिक 5, हुंडई की या EV9 जैसी पावरफुल गाड़ियों से होने वाला है। और महिंद्रा मोटर्स की लग्जरी SUV का प्राइस 44.9 लाख से स्टार्ट किया जाएगा। तो ऑल टू ऑल लेटेस्ट लॉन्च होने वाली 11 अपकमिंग कार्स इन इंडिया 2024 में, जहां पर आपके लिए एंट्री लेवल की गाड़ियों के लेटेस्ट वर्जन या न्यू लॉन्च होने वाली गाड़ियां शामिल हैं, वहां पर पावरफुल SUV गाड़ियों के भी लेटेस्ट वर्जन और न्यू लॉन्च होने वाले हैं। और इसी के साथ एंट्री लेवल की सबसे कम बजट गाड़ियों के भी लेटेस्ट फेसलिफ्ट मार्केट में एंटर होने वाले हैं। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए कंपनियां अभी से इनकी तैयारी कर चुकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फुल्ली अपडेट आने वाला है एंट्री लेवल की यानी 6-7 lakh की बजट की गाड़ियों के आने वाले फेसलिफ्ट का, कौन कौन सी गाड़ियां फेसलिफ्ट वर्जन में आने वाली हैं, किन एडवांस फीचर्स के साथ, फुल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएगी। तो ऑटोमोबाइल वर्ल्ड्स के हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें, अपनी इंपॉर्टेंट क्वेरी को कमेंट्स में लिखते रहें और अपने द्वारा यूज किए जा रहे व्हीकल के ऑनरशिप एक्सपीरियंस भी अब आप चैनल पर एक्टिवली शेयर कीजिए हमें मेल करके। मेल ID वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप हमें मेल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं ऑटोमोबाइल वर्ल्ड्स के हर लेटेस्ट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।